मेवात में डायल 112 गाड़ी पर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों पर बदमाशों ने किया हमला। बाइक सहित एक बदमाश काबू। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि गत सोमवार को रात्रि गश्त के दौरान डायल 112 प्रोजेक्ट की ईआरबी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गाड़ी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ नहदा गांव के पास कुछ दबंगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में पुलिस कर्मचारियों को न केवल चोटें आईं बल्कि एक पुलिस कर्मचारी की वर्दी तक फाड़ दी गई। घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है। गाड़ी पर तैनात पुलिस जवानों ने किसी तरह एक बदमाश को बाइक सहित दबोच लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि ईआरबी गाड़ी 0477 पर नियुक्त इंचार्ज लक्ष्मी चंद ने बिचोर थाने में शिकायत दी है कि वो गत सोमवार रात्रि को गश्त के दौरान चालक नीरज पर सिपाही जफरू के साथ रात्रि गश्त के दौरान फुसेता गांव से नहदा गांव की ओर आ रहे थे। जब वो नहदा गांव के पास एक होटल के पास पहुंचे तो पीछे से एक बुलेट बाइक पर सवार 3 युवकों ने उनकी गाड़ी के साथ लगाकर बदसलूकी की। शिकायत में बताया गया है कि जब उन्होंने गाड़ी को रोका तो 3 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। विरोध करने पर उक्त लोगों ने गाड़ी के चालक नीरज को देसी कट्टे का बट मारा और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस कर्मचारियों ने किसी तरह उनमें से एक युवक को बाइक सहित दबोच लिया जबकि 2 अन्य फरार हो गए। काबू किए गए युवक की पहचान अल्ताफ पुत्र सलमू निवासी फुसेता के रूप में हुई है जबकि मौके से फरार हुए युवकों की पहचान अरमान पुत्र महबूब असलम पुत्र बरकत निवासियान फुसेता के रूप में हुई है। बिछोर थाना पुलिस के अनुसार 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 1 को गिरफ्तार किया लिया गया है जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। जल्दी ही 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ईआरबी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गाड़ी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने के आरोपों से बरामद बाइक चोरी की निकली। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बाइक को दिल्ली से चोरी करना कबूला है। दिल्ली पुलिस को सूचना देने के बाद दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी बिछोर थाना पहुंचे और आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर ले जाने की कार्रवाई में जुट गए। आप देख रहे हैं पुनहाना से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे पास कॉल आई थी जी, जैसे ही हम कॉल को मतलब अटेंड करने के लिए गए ना जी, वो मोटरसाइकिल पे खड़े थे जी, बुलट पे। वो बुलट पे जैसे इंचार्ज साहब उनको पूछने के लिए गए, उन्होंने हाथे पाई की और जैसे ही मैं नीचे उतर गया 2 लड़के मेरे पास आए और मेरी वर्दी फाड़ दी और मेरे यहाँ कट्टे का बट मारा और मेरे को गोली मारने की धमकी दी और गाँव के जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने छुड़वा के उसको भगा दिया। एक मुलजिम को हम पकड़ के लिए आए। तो कुछ नाम पता लग पाया, क्या नाम था उनका? नाम नहीं पता जी सर हमें उनका। तो क्या ऐसे ऐसे बंदों पर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो ये है जी, मारे को थोड़ा असला इशू किया जा जी, जिससे हमको थोड़ा सेफ्टी मिल जा। तो वर्दी अब इनके मतलब खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा, हम तो यही मांग करेंगे जी। तो गाड़ी में किस तरह का नुकसान कोई हुआ है उन लोगों ने? गाड़ी में उन्होंने मोटरसाइकिलों के मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश करी गई और गाड़ी में डेंट पड़ गई है सारी में। तो हेल्प की सेवा के लिए है जी, किसी को कोई नुकसान हो जाए उसकी हेल्प के लिए जहाँ जी उसको समझाएंगे जी, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा हो गया फिर तो हम भी क्या करेंगे जी किसी की। जफरू जब ड्यूटी 112 पे है, हमारी नाइट शिफ्ट चल रही थी जिसमें हमको कॉल आई है नहदा के पास से, तो हम वहाँ पे वारदात जा रहे थे जिसमें इन्होंने बीच में हमारे मोटरसाइकिल लड़ा दी और हमसे बदतमीजी करी और हम मारपीट करी। कौन लोग थे जिन्होंने मोटरसाइकिल लड़ाई इस तरह पता लगा? नहदा के उसके फुसेता के बंदे थे। तो क्या किया उन्होंने आपके साथ? उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया और हमारे मुलाजिम के ऊपर कपड़े फाड़ दिए उसको और बट छाती पे इसने कट्टा के बट मारा है। तो किसी बंदे को उसने से पकड़ लिया। तो क्या बात हुई थी, किस तरह से उन्होंने जो है आपके साथ बदतमीजी की थी? नशे की हालत में तो पास हथियार वगैरह कोई नहीं है। तो क्या आम जनता का ये ऐसा, हमारे पास ही हमारी सेफ्टी नहीं है तो हम आम जनता की तो बाद में सेफ्टी करेंगे, पहले अपनी सेफ्टी जरूरी है हमारी।